हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल भालड़ फैमिली। मैं हूं पायल और मेरी ओर से आप सभी को नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और मेरी ओर से जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है उन सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये निकल चुका है, ये है फाइनल लुक ऑफ खोवा। मैं निकाल रही थी काफ़ी देर से इसको, धीमी आंच पे पका के मैंने निकाला है। तो ये निकल चुका है खोवा, लेकिन इसका ठंडा होने की वेट करूंगी थोड़ी देर तक। जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर बनाऊंगी इसके मैं मिल्क पेड़े। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि खोवा निकालने के लिए मैं यूज़ करती हूँ मिल्क पाउडर का, तो अब की बार मैंने जो मिल्क पाउडर की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली है। मैंने अब की बार लिया है 4 या 5 चम्मच ऑफ देसी घी, और उसके बाद मैंने इसमें लिया है 2 कप ऑफ मिल्क, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 4 कप ऑफ मिल्क पाउडर, और उसको पकाते रहे धीमी आंच पे, और उसका खोवा बन चुका है। तो अब देखते हैं, जैसे ठंडा होगा उसके पेड़े बनाएंगे और फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली ठंडा हो चुका है और इसमें अब मैंने थोड़ा सा सौंफ और इलायची ऐड कर दी, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है, और पाउडर शुगर ऐड की है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है और कान्हा जी का भोग लगा दिया है, और बड़ा ही अच्छा लगा अपने आप घर पे ही स्वीट्स बना के। और मेरी ओर से आप सभी को वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था, वो रिलेटेड टू स्कूल एडमिशन प्रोसेस, उसके बारे में कुछ बताइए। तो एडमिशन जो होता है बच्चों का, जब जैसे लिस्बन है, लिस्बन में बहुत सारे स्कूल हैं, यहाँ पे के लोकेशन के अकॉर्डिंग स्कूल है। तो पहले यहाँ प्रोसेस बता देती हूँ। लिस्बन में क्या है कि जैसे जहाँ पे भी आपका एडमिशन करवाना हो, जिस जहाँ पे आपका एड्रेस है उस घर के आसपास वाले स्कूल में जाइए, एडमिशन फॉर्म लीजिए, उस एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिए, ये प्रोसेस है। और उसमें शायद 2-3 ऑप्शन भी होंगे और स्कूल्स के भी, तो आप जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे चाहिए उसको पहले फिल कर दीजिए, फिर सेकेंड प्रेफरेंस वाला स्कूल, फिर थर्ड प्रेफरेंस वाला स्कूल फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद कहता है कि 3-4 महीने बाद यहाँ पर लिस्ट लगती है, लिस्ट में नाम आएगा स्टूडेंट का, तो जिस जहाँ तो नाम मेंशन होगा कि इस स्कूल में इसका एडमिशन हुआ है, तो इस एडमिशन हो जाता है। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएंगे, जब आप दूसरी कंट्री से यहाँ पर आएंगे तो जो आपका बच्चा जो प्रीवियस क्लास है उसका स्कोर कार्ड चाहिएगा, और उसका वैक्सीनेशन कार्ड भी कई बार मांग लेते हैं, तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी पासपोर्ट वगैरह जो भी होते हैं, तो इस तरह से एडमिशन हो जाता है। जैसे पहले हम अलगारे में थे, वहाँ पे क्या कि स्कूल थोड़े कम है, तो वहाँ पे क्या था कि सेम ऐसे जहाँ पे भी हमें एडमिशन करवाना हो वहाँ पे ऐसे हम पता करके चले गए कि यहाँ पे हेड ऑफिस का है जहाँ पे एडमिशन वगैरह किया जाता है, तो हमें बता दिया यहाँ पे कि ये इनका जो मेन ब्रांच यहाँ पर है, तो वहाँ पे गए, एडमिशन फॉर्म फिल किया, और जो भी आसपास घर के आसपास जो भी स्कूल लगते हैं उनका नाम लिख दिया। उसके बाद ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ पर, ये अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है न्यू एडमिशन के लिए। जैसे अप्रैल में, मार्च अप्रैल से, 5 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस एडमिशन फॉर्म फिल करने का। उसके बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ऑप्शन होता है, जैसे जिसने पहले फॉर्म फिल कर दिया उसको जो मनचाही सीट थी आसपास के एरिया की उसको वो मिल गई, तो ऐसे होता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो जाए, यानी कि ये मुझे ज़्यादा पास पड़ता है, तो टाइम पे फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस पे उसी प्लेस का नाम लिख दीजिए जहाँ पर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। उसके बाद क्या होता है, अप्रैल में आपने फॉर्म फिल कर दिया और अगस्त में यहाँ पे लिस्ट लग जाती है, अगस्त या ऐसी अगस्त में लग जाती, जुलाई अगस्त में लिस्ट लग जाती है, और उस लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाएगा और साथ में स्कूल का नाम मेंशन होगा कि यहाँ पे इसका स्कूल का एडमिशन हो चुका है, और बस एडमिशन हो जाएगा। अगर आप दूर रहते हैं तो बस फैसिलिटी अवेलेबल है कुछ जगह, जैसे अलगारे में बस फैसिलिटी अवेलेबल थी, उनको बोलना होता है स्कूल में जाके, जो भी उसकी टीचर होगी या फिर जो जहाँ पे आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था वहीं पे जाकर बोलना होता है कि हमें बस फैसिलिटी चाहिए और ये हमारा एड्रेस है, तो बस फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब लिस्बन में बस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाते, तो कई कई जगह पर करवा देते हैं, कई कई जगह पर नहीं करवाते, जैसे अब लिस्बन में नहीं करवाते, पर अलगारे में थी बस फैसिलिटी और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ऐसे एडमिशन हो जाता है कि फॉर्म फिल करना होता है और साथ में कुछ भी चाहिए, नए आया है तो प्रीवियस क्लास का स्कोर कार्ड चाहिए। और अब जैसे हम अलगारे से लिस्बन मूव हुए थे और सेशन उस टाइम चल रहा था बीच में, अब मैंने सोचा कैसे इसका एडमिशन वहां जाके करवाऊंगी, इस बंद का तो मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैंने इसकी मैम से कॉन्टैक्ट किया और फिर मैम ने क्या किया, मुझे एक ट्रांसफ़र लेटर दिया। उस ट्रांसफ़र लेटर में क्या होता है कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट होती है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं इस शहर से दूसरे शहर में मूव करना चाहते हैं, तो एक ट्रांसफ़र लेटर था। उस ट्रांसफ़र लेटर के साथ हमें क्या करना होता है कि जो फादर की जो जॉब लगी है नई जगह पर उसका हमें एक प्रूफ
ऐड करना होता है बस कि हाँ इसीलिए हम मूव कर रहे हैं, कि हमें एक रीजन देना होता है कि क्यों हम जा रहे हैं दूसरे शहर में। बाकी स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खुद ही दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन अब वो ये पूछते हैं कि अब कहाँ पर एडमिशन करवाना है इसका। अब जैसे मुझे उन्होंने कहा था कि फॉर्म फिल कर दीजिए, फॉर्म में थे 3-4 ऑप्शन कि आपको कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो मैंने तो बोल दिया इनकी मैम को कि मुझे तो नहीं पता कहाँ पे मैं इसका एडमिशन करूँ, क्योंकि हम तो लिस्ट में खुद ही नए हैं। तो उन्होंने कहा कि अपना एड्रेस दे दो हमें। तो मैंने एड्रेस दे दिया उनको कि हमारा शहर होगा अलकांतरा। तो इतने कोऑपरेटिव है यहाँ का स्टाफ, जैसे अलगारवे का जो स्टाफ था उन्होंने खुद ही ट्रांसफर फॉर्म फिल कर दिया और खुद ही जो भी मेरे घर के आसपास वाले स्कूल थे उन्होंने खुद ही उसमें सारा फिल कर दिया। और मेरे पास तो जस्ट एक ईमेल आई थी कि हमने आपका जो ट्रांसफर लेटर है वो फॉर्म जो है फिल कर दिया है और अब आपको वेट करनी है। हमने जैसे ही लिस्ट में मूव किया फिर हमारे पास ईमेल आ गई कि घर के पास ये वाला स्कूल है और यहाँ पर अश्मित का एडमिशन हो चुका है। तो यानी कि अगर आपको कहीं पर जैसे काम की वजह से एक शहर छोड़ना पड़ गया, दूसरे शहर जाना पड़ गया, तो ये टेंशन करने की कोई नीड नहीं कि बच्चे की स्टडी खराब होगी कि दूसरे शहर में जाके एडमिशन कैसे करवाएंगे। बस आपको उनकी टीचर से कॉन्टैक्ट करना है, वो आपकी बात, वो आपको नंबर दे देंगे, डायरेक्टर का नंबर दे देंगे और आप डायरेक्टर को बोल देना कि हमें ये प्रॉब्लम है और हम इस वजह से स्कूल चेंज कर रहे हैं। तो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म अगर आपको खुद फिल करना है तो खुद फिल कर देना, थोड़ा बहुत कुछ रह जाते तो जो डायरेक्टर होते हैं वो खुद ही फिल कर देते हैं। और इस तरह से फॉर्म फिल करने के बाद 10-15 दिन की वेटिंग है, नई जगह पे बच्चे का एडमिशन हो जाता है। तो ये केसेस, ये तो उनके लिए थी इन्फॉर्मेशन, जो जैसे जो यहाँ पर रह रहे हैं पोर्तुगल में और किन्हीं को अगर लोकेशन चेंज करनी पड़ जाए तो उसके लिए भी टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। तो इस तरह से बच्चे का ट्रांसफर रिक्वेस्ट के थ्रू नई जगह पर एडमिशन हो जाता है। तो फ्रेंड ये था बच्चे के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि हमें जस्ट एक फॉर्म फिल करना होता है और हमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं पड़ती, बस स्कोर कार्ड चाहिए प्रीवियस क्लास का। सो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। सो फ्रेंड्स हम मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और आज सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।